इसलिए हम लोगों ने जोमेटो से अपना ये तंदूरी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू गाइस गुड इवनिंग वेलकम बैक टू अकती व्लॉग्स एंड गाइस मैंने आज अभी अपना व्लॉग इवनिंग में शूट कर लिया क्योंकि मेरी मम्मी का कल बर्थडे है और अभी शाम भी क्या रात होने वाली है तो क्यों ना सोचा मैंने उनको सरप्राइज दूँ। तो चलिए गाइज उनके लिए कुछ प्रिपरेशंस करते हैं और देखते हैं क्या सरप्राइज मैं उनको देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। मुझे आइडिया तो बिल्कुल भी नहीं है कि क्या मैं उनके लिए करूँ, तो गाइज चलिए देखते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं। तो गाइज आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइज ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है, मैंने जोमेटो से अभी उनके मनपसंद डिश वगैरह ऑर्डर कर दी हैं तो वो अभी आ जाएंगी 10 बजे तक और उसके बाद में मुझे कहीं उसे हाइड करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप क्योंकि सरप्राइज़ तो 12 बजे दूंगी तो देखते हैं कहाँ छुपाते हैं उसको उनके हाथ में ना, क्योंकि वो एक नंबर के जासूस हैं, कहीं भी रखो सामान उनको पता चल जाता है। तो गाइज छुपाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अभी टाइम हो गया है, ये देखिए गाइज 12 बजने ही वाले हैं, हम लोग चलते हैं किचन में। तो गाइज ये हम लोगों ने जोमेटो से अपना ये तंदूरी टाउन से ही मंगवा लिया था खाना, तो हम लोगों ने इसमें गाइज मंगवाया है रोस्टेड मोमोज और मसाला चाप, मम्मी के फेवरेट। सब जाते हैं मम्मी को उनका सरप्राइज दिखाने के लिए, बढ़ रहे हैं बस धीरे धीरे। बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। लगा आपको ये सरप्राइज आपका डिफरेंट, बिल्कुल कैसा लगा सरप्राइज है? तुमने एक्सपेक्ट किया था कि तुमको सरप्राइज मिलेगा? नहीं, तुम भाई पापा इनके लिए हम चिकन लाए हैं, चिकन। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जा। नहीं गाइस ये चिकन नहीं है, ये है सोया चाप, मलाई चाप, सोया चाप और वो है रोस्टेड मोमोज। ये रहा इनका सरप्राइज बर्थडे। केक वेक तो सभी लाते हैं बट मैं लाई कुछ डिफरेंट, इनका फेवरेट। आपको ये सरप्राइज कैसा लगा? बहुत बढ़िया। ये तो मेरा फेवरेट है सर। तभी तो ये सरप्राइज मंगवाया था, मीठा नहीं पसंद है। सोचा नहीं होगा कि मतलब तुम्हारे बर्थडे के सरप्राइज में ये डिश होगी। मतलब लोग ज़्यादातर केक लाते हैं और पेस्ट्री लाते हैं बट जो ये खाने की डिश है ये कोई नहीं लाता है। तो तुमने सोचा था कि ये हम ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? तुमने सोचा था ये? नहीं, इसे भी ठंड लग रही है क्योंकि ओढ़ के बैठ गई है लग। और ये देखिए गाइस यहाँ पे पार्टी हो रही है, तो चलिए गाइस इसको खा लेते हैं और बज गए 12:30 हो रहा है, फिर मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए सो जाते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, मैं ओके उठ चुकी हूँ और थोड़ा सा लेट भी हो गया था क्योंकि कल सेलिब्रेशन हुआ था और खाया भी था रात में, मतलब देर से बातें होने लगी थी तो फिर जल्दी सो नहीं पाए, लेट से सोए थे, सबके कॉल्स आ रहे थे मम्मी के पास, तो बार बार फ़ोन बज रहा था तो इस वजह से लेट हो गई। तो गाइस जल्दी चलते हैं फ्रेश होने के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस फ्रेश होके आ गए हैं और जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो चलिए गाइस चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर बाद में शाम को देखते हैं क्या सेलिब्रेशन होता है, क्या पार्टी होती है बर्थडे के लिए। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, गोभी और प्याज के मम्मी ने पराठे बनाए। तो गाइज मिलिए बर्थडे गर्ल से, ये देखिए बैठी आराम फरमा रही हैं प्याज के और गोभी के पराठे खा के। तो आज आपका बर्थडे कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह किसने किसने विश किया कल से लेके आज तक? मेरी भाभी ने, मेरी बेटी ने, मेरे नमाज ने। अच्छा तो और आगे का क्या सेलिब्रेशन है, पार्टी वार्टी क्या दे रही है? पार्टी क्या दी जा रही है? पार्टी क्या हुई, रोज वाला खाना खाइए कसम, रोज वाला खाना क्यों खाएंगे, कुछ आज स्पेशल होना चाहिए, बर्थडे है आज तो। अरे हम बच्चे थोड़ी ना है। अच्छा तो गाइस देखते हैं शाम का क्या होता है, सेलिब्रेशन क्या होगा, इंतजाम करना तो हमको ही है, देखते हैं क्या करते हैं इनके लिए। सही हो जाओ पहले तुम, सही हो तबीयत ना ठीक है तुम्हारी? तबीयत तो सही है, बीपी लो हो गया। अरे नहीं, फीवर भी आ रहा है तुम्हारे।
नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है, बीपी भी लो हो गया था तुम्हारे उस दिन। ऐसा कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ और एकदम थोड़ा सही हो, आराम है थोड़े तुम्हें। तो चलिए गाइस और रेस्ट करते हैं, मिलते हैं फिर शाम को दवाई से। शाम का टाइम हो गया और दीदी और जीजू सब आ रहे होंगे घर पे मम्मी को सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं आज वो लोग आ रहे हैं, मम्मी को कोई भी आइडिया नहीं है। तो चलिए गाइस अब देखते हैं आगे का क्या होता है, क्या तैयारियां होती हैं, और आप भी देखिएगा। शाम का नाश्ता भी तैयार हो गया है, मम्मी ने मैक्रोनी बनाई है मेरी फेवरेट। तो गाइस अब इंतज़ार की घड़ियाँ होती हैं समाप्त और कटता है आपके घमायरा। गाइस केक भी आ चुका है और अब होने जा रही है केक कटिंग, तो चलिए साथ में सेलिब्रेट करते हैं और केक कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कटिंग भी हो गया है और खाना भी खा लिया है सबने, और मम्मी का बर्थडे भी अच्छे से सेलिब्रेट कर चुके हैं और थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट्स करिए। और गाइज़ आज मेरी मम्मी का बर्थडे है तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ हैप्पी बर्थडे उनको विश कर दीजिएगा। तो गाइज़ मिलते हैं वो कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।